आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स से एंड इट्स ट्रांसपोज ए डैश हैव द सेम आइगन वैल्यूज, यानी अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं और ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेते हैं तब भी हमारी आइगन वैल्यूज चेंज नहीं होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर जस्ट द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी ये क्या बता रहा है, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये एक ए मैट्रिक्स मैंने बनाई है, इसमें अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारी मेन डायगोनल है इसके नीचे के एलिमेंट जीरो हैं, यानी ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इस केस में आइगन वैल्यूज ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये सिर्फ हमारी डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगी, यानी लैम्डा वन हमारा 1 होगा, लैम्डा 2 4, लैम्डा 3 हमारा 6 होगा। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ एन आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स आर आइदर 0 और 1। तो यहाँ पर हमारी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है तो मैट्रिक्स ए को हम आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। एक एग्जांपल से देखते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पर। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम, एक सिंपल ये मैट्रिक्स बनाई है, तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है, यानी इसकी 3 आइगन वैल्यूज आएंगी, तो उनका जो सम होगा वो होगा जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल पे हमारे एलिमेंट्स होंगे उसका सम, यानी लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 5 प्लस 9 यानी 15। अब ये तो हो गई एडिशन सम, अब बचता है प्रोडक्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके साथ द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इट्स डिटर्मिनेंट। अगर ये सेम मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पर तो इसका जो आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होगा लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर ये ए मैट्रिक्स है। अब इसके बाद कुछ और नई प्रॉपर्टीज देखते हैं, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए इन्वर्स जब होगा तो उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज हमारा जस्ट इन्वर्स हो जाएगा, 1/λ हो जाएगा, ये इन्वर्स प्रॉपर्टी थी। इसके बाद अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसकी ये n वैल्यूज हैं जैसे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n तक, तो अगर उसका पावर m हो जाएगा तो इंडिविजुअल हर एक आइगन वैल्यू का पावर m हो जाएगा। और एक लास्ट प्रॉपर्टी और देखते हैं, ये क्या बता रहा है, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन 1/λ इज ऑल्सो इट्स आइगन वैल्यू। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है ये देखते हैं पहले, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो इसके लिए अगर जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स होगा तो इसको हम इस ए मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। इस केस में लैम्डा और 1/λ दोनों इसके आइगन वैल्यू होंगे। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ पे टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।